Good morning, students. Today I'll start a new topic of chapter 6, rusting of iron. Rusting of iron का क्या मतलब होता है? ये word आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को अपने अपने घरों में, घर के आसपास जरूर देखा होगा. Rusting मतलब लोहे में जंग लगना, ठीक है? तो जंग लग जाता है ना, कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो लोहे का कोई पुराना ड्रम हो या कोई रॉड हो, है ना, तो उसको अगर वो पानी में पड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, उसमें राउंड राउंड सा कुछ लेयर सी आ जाती है ना, कुछ पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है ना, तो इसको बोलते हैं जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट. तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मतलब अगर लोहे में रस्टिंग लग जाती है, यानी कि आयरन में रस्टिंग हो जाती है, तो इससे किस तरीके से आयरन को हम लोग प्रिवेंट करें, राइट. अब रस्टिंग के साथ तो नहीं हम लोग वो कर सकते हैं कि नहीं हो रहा है तो होने दीजिए, तो उसके लिए कुछ प्रिवेंशन भी होते हैं, ठीक है. तो आज हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. Iron objects like iron nail, iron pipes, iron grills and iron railings when kept in moist air for a few days get covered with a brown powdery substance called dust. This process is called rusting of iron. यही होता है ना कि अगर iron की कुछ कीले हो या कोई iron rod हो या आयरन के पाइप्स हो, ग्रिल्स हो, तो ये अगर मॉइस्ट एयर या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही होती है एयर में, है ना, तो मॉइस्ट एयर या वाटर के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो इस पे आयरन पे क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का कुछ लेयर डिपॉजिट हो जाती है और इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, राइट. तो स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं. Two conditions necessary for the rusting of iron. दो condition rusting के लिए जरूरी होती हैं. क्या क्या? Presence of oxygen, oxygen की presence, और presence of water और water vapor, यानी कि moisture. अगर water या moisture की presence में या oxygen की presence में अगर कोई भी iron object रह जाता है बहुत दिनों तक, तो उसपे क्या हो जाता है, रस्ट आ जाता है, राइट. नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, कल जब केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाया था तो उसमें इसको एग्जांपल के तौर पे भी हमने लिया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज होता है. केमिकल चेंज में क्या मैंने बताया था कि कुछ सब्सटेंस मिलके जो दूसरा सब्सटेंस बनाते हैं उससे पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन टोटली डिफरेंट होता है, और इस चेंज में ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब पीछे नहीं जा सकता, वापस से वैसा नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये इक्वेशन दी हुई है जिसमें आयरन यानी Fe, ऑक्सीजन और वाटर यानी कि मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में क्या बना रहा है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन, राइट. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम रस्ट. जैसा मैंने बताया ये जो रस्ट है इससे हम लोग वापस आयरन नहीं ला सकते, तो यानी कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है. ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकती, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड से वापस हम लोग आयरन नहीं बना सकते, राइट. नाउ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस. स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आप लोगों को. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग.
रस्टिंग को हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला तो है कोटिंग द आयरन सरफेस विद पेंट और ग्रीस। देखते हैं ना हम लोग लोहे के जितने भी हम लोग के यहाँ रेलिंग्स लगी होती हैं या पाइप्स होते हैं उनमें पेंट कर दिया जाता है ना, या उनपे ग्रीसिंग कर दी जाती है जिसकी वजह से रस्टिंग ना हो सके। दूसरा तरीका है कोटिंग आयरन विद अदर मेटल्स, जिसे क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, तो कुछ और मेटल से उनकी कोटिंग कर दी जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और एलॉय। तो या तो आयरन को हम लोग क्या करें कन्वर्ट कर दें एलॉयिंग में या स्टेनलेस स्टील, राइट। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कोटिंग द आयरन सरफेस। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कोटिंग द आयरन सरफेस विद पेंट और ग्रीस। वेरियस मशीन पार्ट्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ ग्रीस और पेंट व्हेन नॉट इन यूज। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। तो ज्यादातर मशीन के पार्ट्स या जो टूल्स होते हैं यानी कि जो औजार होते हैं वो किससे बनते हैं आयरन से बनते हैं, तो इनपे क्या कर दिया जाता है ग्रीस या पेंट की कोटिंग कर दी जाती है ताकि ये एयर के या वाटर के कॉन्टेक्ट में ना आ सके और रस्टिंग से बचे रहे, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कोटिंग आयरन विद अदर मेटल्स। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पतली थिन लेयर की कोटिंग कर दी जाती है कुछ मेटल्स की जिन्हें क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और वो मेटल्स कौन से होते हैं जिंक। ठीक है, जिंक की पतली कोटिंग कर दी जाती है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और वो ताकि रस्टिंग से बचे रहे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आयरन शीट्स आर डिप्ड इन मोल्टन जिंक एंड देन अलाउड टू गेट गैल्वेनाइज आयरन शीट्स। आयरन शीट्स को क्या किया जाता है मोल्टन जिंक में डिप किया जाता है और फिर उनको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है आयरन शीट्स गैल्वेनाइज हो जाती है। द थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। और ये जो थिन लेयर होती है जिंक की ये क्या काम करती है आयरन को प्रोटेक्ट करती है रस्टिंग से। ठीक है, बिकॉज जिंक मेटल रिमेन्स अनएफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि जिंक मेटल अनएफेक्टेड रहता है एयर से और मॉइस्चर से। ठीक है, इसलिए वो आयरन को प्रोटेक्ट करता है और रस्टिंग नहीं होने देता है, राइट। नाउ द लास्ट वन इज बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और एलॉय। मोल्टन आयरन इज मिक्स्ड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन मैंगनीज क्रोमियम एंड निकल। तो मोल्टन आयरन को क्या किया जाता है उसके फिक्स्ड अमाउंट को मिक्स किया जाता है कुछ कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के साथ जैसे कार्बन मैंगनीज निकल क्रोमियम, है ना, इनके साथ मिक्स किया जाता है और गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है एलॉय बन जाता है, राइट। ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स एन एलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। और जो एलॉय बनता है उसे क्या बोलते हैं स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी के घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी होंगे तो आप सभी को पता है कि उसपे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है वॉटर का एयर का, इस वजह से उस पर कोई रस्टिंग नहीं होती, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो अब आज आपका होमवर्क ये है कि आपके घरों में या आपके घरों के आसपास कोई भी रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल अगर आपको दिखता है यानी कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर रस्टिंग हो रही हो वो आप पिक्चर
क्लिक करके मुझे सेंड करें। ठीक है स्टूडेंट।